करते हैं तो सबसे पहले अगर आपसे मैं डिस्कस करूं कि आखिर जियोटेक्निकल इंजीनियर क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग का एक शख्स होता है जो पृथ्वी के भू तत्व जैसे कि मिट्टी पत्थर इनके संरक्षण पुल और टनल के साथ उनके प्रभाव के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो बेसिकली आप एक अर्थ मटेरियल्स के बिहेवियर के ऊपर आप एक स्टडी करते हो इसमें सोयल मैकेनिक्स और रोक के जो प्रिंसिपल होते हैं वो इसमें, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें आपको जियोलॉजी हाइड्रोलॉजी और जियो फिजिक्स जैसे नॉलेज आपको प्राप्त हो जाती है तो जो एक जियो टेक्निकल इंजीनियर होता है वह किसी भी पृथ्वी की निर्माण या निर्माण कार्य के लिए भूमि की जांच करता है इसके अलावा एक जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए और भी काफी सारे काम हो सकते हैं तो अगर आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर बनना है तो आपको बताना चाहता हूँ कि जय एक सिविल इंजीनियर के अंडर ही आता है तो आपको बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसे आपको करना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपको जो बारहवीं की जो कक्षा है उसे आपको साइंस के सब्जेक्टों के साथ आपको पास करनी पड़ेगी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे जियो टेक्निकल इंजीनियर के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है मुझे लगता है की आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में कमें करके पूछ सकते हो नहीं अभी आपको जय वीडियो कैसी लगी अगर आपको जय वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना धन्यवाद